Hello everyone, namaste, welcome back to my channel. I hope you all are doing good and safe as well. Today is Thursday and happy Thursday to all of you. In today's video, I am going to talk about an application, an app. जी हाँ, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक ऐप के बारे में बात करने वाली हूँ. यस, इट्स एन ऐप दैट हेल्प्स इन क्रिएटिंग यूट्यूब थंबनेल्स. तो अगर आप मेरी तरह यूट्यूबर हो या फिर किसी भी किस्म का जो है एडिटिंग आप करना चाहते हो फ़ोटोज़ को लेके, तो आप इस ऐप का इस्तेमाल कर सकते हो. द नेम ऑफ द ऐप इज़ पिक्सल लैब. Yes, you heard it right, Pixel Lab. So today I am going to share my views इस ऐप को लेके, and also I am going to share कि how does this app work. So if you want to know more about the app, then please keep on watching. और आगे बढ़ने से पहले please consider subscribing, it would mean a lot to me. और video अगर ज़रा सा भी पसंद आए तो please वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, गिव इट अ थम्स अप. सो या, विदाउट एनी फर्दर अड्यू, लेट्स गेट इनटू द मेन वीडियो. ओके, तो मैं आज इस ऐप के बारे में बताने वाली हूँ. दिस इज पिक्सल लैब ऐप. आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर ऐप. ओके, तो यहाँ पे इस ऐप की मदद से आप जो है अपना यूट्यूब का थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं. तो देखिए, ऊपर एक प्लस दिख रहा है आपको, आप वहाँ जाइए. वहाँ जाके फ्रॉम गैलरी है, फ्रॉम गैलरी को चूज़ कीजिए. फ्रॉम गैलरी आप बेटर फ़ोटोज़ में जाइए. फ़ोटोज़ में जाने के बाद आप कोई भी फ़ोटो चूज़ कीजिए अपना. ये वाला चूज़ किया आपने, थोड़ा मैंने क्रॉप किया, ठीक है. अब क्या करना है आपको, अगर आपको इमेज रिलेटेड कुछ भी चेंज करना है तो आपको इस पे जाना है. ये डबल जो है यहाँ पे जाना है, बॉक्स जो स्क्वायर बॉक्स आपको दिख रहे हैं, आपको वहाँ जाने हैं. तो वहाँ जाके सबसे पहले आपको इमेज साइज चूज़ करना है. हमें क्या चाहिए, यूट्यूब थंबनेल. सेकेंड, ये ऐप थोड़ा सा हैंग कर रहा है मेरा. तो YouTube थंबनेल आपको चूज़ करना है. चूज़ कर लिया, अब ओके कीजिए. अब यहाँ पे जो न्यू टेक्स्ट बोल के आया है वहाँ पे आप कुछ मतलब, अच्छा एक सेकेंड, न्यू टेक्स्ट लिखने से पहले ये जो मैंने कहा था बॉक्स दो हैं, ये इमेज रिलेटेड कोई भी चेंजेस अगर आपको करना हो वहाँ पे, तो आप उसी की मदद से कर सकते हो. तो देखिए, यहाँ पे कलर है. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कलर चेंज करना चाह रही हूँ. ग्रेडियंट और कलर दो ऑप्शंस होते हैं, तो मैंने कलर चूज़ किया. अब देखिए, यहाँ पे नीचे बहुत सारे कलर्स आते हैं, आप ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो बहुत सारे कलर्स आएंगे. मैं ये पिंक वाला चूज़ कर रही हूँ. चूज़ करके ये टिक मार्क को प्रेस कर दिया है मैंने, तो चेंज हो गया. ऐसे ही बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखने को मिलेंगे, आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो. अब मुझे टेक्स्ट रिलेटेड कुछ चेंज करना है, ठीक है, तो इसीलिए हम ए पे जाएंगे. तो पहले हम यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं. पहले मैं कुछ लिख लेती हूँ यहाँ पे. क्या लिखूँ मैं, माय फोटो लिख रही हूँ. माई फोटो लिख के मैं ओके प्रेस कर रही हूँ. थोड़ा सा हैंग कर रहा है आज ये. तो इसकी मदद से आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हो, साइज छोटा बड़ा कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो. तो मैंने इसको ओके कर दिया. अब देखिए, हाँ अब देखिए, इसको ऐसे ही रहने दें. डबल प्रेस कर दिया तो सिलेक्ट हो जाएगा. जब तक ये दो डॉट्स हैं, इसका मतलब आप इसको एडिट कर सकते हो. तो देखिए, ए मतलब फंड रिलेटेड, वर्ड्स रिलेटेड कोई भी चेंजेस आप कर सकते हो. तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं. मैं फ़िलहाल तो फंड चेंज करने वाली हूँ इसका. देखिए बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं. मैं ये
बुगैलो रेगुलर ये वाला चूज़ कर रही हूँ। ओके ठीक है, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, बहुत सारे। आप शैडो क्रिएट कर सकते हो, इनर शैडो, ये डिजेबल्ड है, आप इनेबल कर सकते हो। लीजिए मैंने इनेबल कर दिया, देखिए शेड जैसा आ रहा है। तो इसको मैंने ओके किया। अब देखिए बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, यहाँ पे स्पेसिंग का ऑप्शंस आता है, ये देखिए। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, यू कैन एक्सपेरिमेंट विद ऑल द ऑप्शंस। मैं ज़्यादा कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं कर रही हूँ, मैंने बस सिंपल वे में आपको दिखाया कि आप कैसे कर सकते हो। तो मैंने अपना इमेज सिलेक्ट किया और बगल में लिखा मैंने, कलर सिलेक्ट किया। अब सब कुछ हो जाने के बाद आपको जो करना है वो है, ये ऊपर जाना है, ये दिख रहे हैं आप, इसको प्रेस करना है और सेव एज इमेज दबाना है। सॉरी, सेव एज, एक सेकेंड, एक्चुअली मैं जिस फ़ोन से रिकॉर्डिंग कर रही हूँ उस फ़ोन की ओर देख रही हूँ, अपने फ़ोन की ओर डायरेक्टली नहीं देख रही हूँ, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है और ये ऐप थोड़ा सा आज हैंग भी हो रहा है। एनीवे, ये देखिए मैंने बेसिक सा कर लिया, फ़ोटो लगा के सब लिख के कलर चेंज करके। अब इस यहाँ पे जाने के बाद, इस पर जाने के बाद आपको सेव एज इमेज प्रेस करना है। ये सब हो गया, अब सेव टू गैलरी दबा दीजिए। अब ये एक ऐड आएगा ऐसे, ये कुछ देर बाद ये ऐड चला जाएगा, अभी फ़िलहाल तो ये ऐड चल रहा है। ये 5 सेकेंड ये नीचे ऐड आता है, तो उसके लिए आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ऐड के आने के बाद ही ये ऑप्शन जो है क्रॉस का आता है। तो लीजिए ये सेव ना हो गया, ये सेव हो गया। अब मैं कैंसिल दबा रही हूँ। आर यू श्योर यू वॉन्ट टू एग्जिट पिक्सल लैब? तो इफ़ यू आर श्योर कि अगर आप एग्जिट करना चाहते हो तो ओके दबाइए। बस मैंने ओके दबा दिया। अब मैं अपने गैलरी पे जाके आपको दिखाती हूँ, फोटोज़ पे जाके दिखाती हूँ। देखिए मेरा जो है ये देखिए मेरा थंबनेल बन के तैयार है। तो मैं अपने वीडियोज़ के लिए थंबनेल ऐसे ही बनाती हूँ, इसी ऐप की मदद से मैं बनाती हूँ अपने वीडियोस के लिए थंबनेल्स। तो आई होप आपके लिए ये हेल्पफुल रहा होगा, ट्राई करके देखिए। पहले स्टार्टिंग में शायद थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन कोशिश करते करते इसके साथ आप यूज़ टू हो जाएंगे। तो आई होप दिस हेल्प्स यू। सो या, दैट वॉज ऑल अबाउट द एप्लीकेशन। मुझे जितना भी पता था मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया थ्रू दिस वीडियो। अगर आप लोगों को भी कुछ पता है इस ऐप के बारे में या किसी और ऐप के बारे में जो हेल्प करता है यूट्यूब के थंबनेल्स को क्रिएट करने में, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा उन ऐप, मतलब अगर आपको कुछ पता है तो प्लीज़ शेयर दैट, राइट व्हाटएवर यू नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो या, आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलती हूँ अगले दिन अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे एट होम, बाय, लव यू ऑल।